सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंग्लैंड दौरा बेहद खास रहा है, बड़ी सफलता मिली है और मध्य प्रदेश को 60,000 करोड़ से अधिक का निवेश मिला है। बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि निवेश 60,000 करोड़ से अधिक का है। इसका मतलब ये है कि निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं निवेशक भी महसूस कर रहे हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश में जब मौजूद हैं और कई निवेशकों के साथ उनकी जब चर्चा हुई है तो इस चर्चा में निकलकर सार ये आया है कि निवेशक चाहते हैं कि वो एमपी में जाकर निवेश करें और दिल खोलकर निवेश करने की बात कही गई है। 60,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। इंग्लैंड का दौरा ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है और खास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए। और इंग्लैंड के बाद आज जर्मनी में रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 28 से 30 नवंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, म्यूनिक और स्टुटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 से 30 नवंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। निवेश और उद्योगों को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे। बवेरिया राज्य सरकार के डेलीगेशन के साथ भी मीटिंग का कार्यक्रम है सीएम का। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, 60,000 करोड़ के निवेश की बात इंग्लैंड अकेले से आई है, आज जर्मनी भी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के सीएम, 2 दिन यहां रहेंगे। अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर नजर आ रही है। देखिए विवेक, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हाईटेक कार होती है या फिर जो ऑटोमेटिक कार होती है उसमें सेमीकंडक्टर की एक अहम भूमिका होती है। सेमीकंडक्टर काफ़ी महंगा है और अभी तक इंडिया में विदेशों से इसे बुलाया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव इंग्लैंड में जब उद्योगपतियों से चर्चा की है तो वहाँ पे एक उद्योगपति ने ये बात कही कि मध्य प्रदेश में वो सेमीकंडक्टर का एक बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं और करीब 25,000 करोड़ रुपये निवेश भी करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री कह चुके हैं करीब 60,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव वहाँ से मिला है इंग्लैंड से, अकेले इंग्लैंड से। अब जर्मनी में है मुख्यमंत्री और म्यूनिक और स्टुटगार्ट में जाएंगे, वहाँ पे तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडो जर्मन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ साथ करीब फ्रेंड्स ऑफ एमपी की करीब 80 डेलीगेट्स के साथ मुख्यमंत्री राउंड टेबल चर्चा करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में जब इतनी संभावनाएं हैं तो जर्मनी की तरफ से जर्मनी के उद्योगपति कितना निवेश कर सकते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं जर्मनी और 2 दिन की यात्रा में जर्मनी में रहेंगे। इंग्लैंड में उन्होंने जब ये कहा कि 60,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया तो जर्मनी में भी मध्य प्रदेश जर्मनी में भी वहां पर भी निवेशकों से चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप।